राधे राधे दोस्तों, सीता फूड रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम बनाने जा रहे हैं आज बेसन और आलू का बेस्ट नाश्ता। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए हमने क्या क्या सामग्री ले रखी है, आइए आपको दिखा देते हैं। उबला हुआ आलू 3 पीस, सरसों का तेल, हल्दी पाउडर, जीरा साबुत, अजवाइन ये भी साबुत, बेसन 1 पाव, स्वादानुसार नमक। तो चलिए सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेते हैं। हम ये हाथों से मैश कर रहे हैं, आप इसे चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। फिर जो मैंने बेसन लिया हुआ है इसमें डाल देंगे। एक चम्मच अजवाइन, जीरा, हल्दी, नमक स्वादानुसार। अब इसे हम अच्छी तरह मिला लेंगे। और फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही कुरकुरा होता है, इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और इसमें अगर आपको तीखा पसंद है, आधी चम्मच मिर्च पाउडर डाल लीजिए। पानी सिर्फ इसमें हमें 2-3 चम्मच ही डालना है ताकि ज्यादा गीला ना हो। आटा हमने गूंथ लिया है, हाथों में थोड़ा सा हमने तेल लगा लिया है। अब इसे अपने हाथों से रोल कर लेंगे। देखिए इस तरह, अब इसी तरह सारे आटों को हम रोल कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें एक एक करके ये पीसेस डालते जाएंगे और इसे मध्य आंच में पकाना है हमें। और ये नाश्ता बहुत ही अच्छा होता है, इसे आप भी ट्राई करके देखिए। और दोस्तों, अगर ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब इसको हम पलटेंगे। इसे हमें हल्के हाथों से ही पलटना है क्योंकि शुरू शुरू बहुत सॉफ्ट होता है। इन्हें हमें धीमी आंच में ही पकाना है ताकि ये कुरकुरे हो जाएं, अच्छे से अंदर से पक जाएं। तो ये देखिए ये कितने ब्राउन हो गए हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए मेरा नाश्ता बनकर तैयार है, इसे हम इमली की चटनी के साथ परोस सकते हैं।
अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।